हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। गाइस, कल सीएचएसएल 2018 का रिजल्ट शाम को अपलोड हुआ और साथ ही उन्होंने कहा था कि 13 तारीख की शाम को वो लोग जो आपके मार्क्स होंगे, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वो मार्क्स आज अपलोड हो चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो उसकी लिंक एक्चुअली कैसे ओपन करना है वही आपको लोगों को बता देता हूँ। डायरेक्ट एसएससी की वेबसाइट पर जाकर ओपन करना है आपको, और कैसे करना है, कुछ प्रॉब्लम भी हो रही थी बच्चों को, दूसरे वीडियो पे कमेंट किया था तो आपको बता देता हूँ मैं कैसे करना है। ये एसएससी की वेबसाइट है, आपको डालना है गूगल में या क्रोम में ssc.nic.in। ये पेज आपको ओपन होगा, ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करोगे, और लॉगिन करने के बाद जब आप अपना सर्च करोगे मार्क्स, वहाँ पर आपको ये पेज शो होगा। ये पेज यहाँ ऊपर आपको कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, और नीचे दोबारा से आपको अपना डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर और सबमिट करना है। आपको अपने मार्क्स दिखेंगे, ये मार्क्स आपको नेक्स्ट मंथ 12 तारीख तक शो होते रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो रिजल्ट और कट ऑफ क्या था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बाकी चीज़ें और अपडेट चाहिए तो आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, उसी से आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। थैंक यू, बाय बाय।